नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। गृह राज्य मंत्री, प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल के निवास पर उनके पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे। गृह राज्य मंत्री निल विज ने कहा कि प्रदेश की पुलिस आने वाले समय में इतनी स्मार्ट होगी कि अपराध हुआ तो अपराधी 15 मिनट में पुलिस की गिरफ्त में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस का इतना भय अपराधियों को होगा कि अपराधी अपराध करने से पहले कई बार सोचेंगे। और जिस जिले में 1000 या उससे अधिक केस बकाया हैं, उन जिलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और जिनका जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो उन जिलों पर कार्रवाई होगी। अनिल विज ने कहा कि जिन जिलों की पुलिस अच्छा काम करेगी उन्हें विभाग शाबाशी भी देगा और वहीं जिस जिले की पुलिस अच्छा काम नहीं करेगी उन्हें ठीक करने का काम भी वही करेंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही पुलिस विभाग में डायल 112 जारी किया जाएगा, साथ ही 600 गाड़ियां खरीदी जाएंगी जो कि अपराधियों को पकड़ने के काम आएंगी। भिवानी के मेडिकल कॉलेज की जमीन पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि बार बार केवल शिलान्यास किए जाने का मामला उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए काम शुरू हो गया है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। बाप का सर से साया उठ जाए, दुख तो होता ही है, उस दुख को साझा करने के लिए मैं आ गया। सर, आपकी सहयोगी दल जेजेपी के जो नेता है वो ऐसा कुछ बयान दे रहे हैं, उनका कहना है कि दुष्यंत चौटाला ने भ्रष्टाचार किया है, इस प्रकार से वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये हमारी सहयोगी पार्टी का अंदरूनी मामला है और वो उसको निपटेंगे, कैसे निपटते हैं, कैसे हल करते हैं वो करेंगे उसको। सर, आपको गब्बर के रूप में लाना जाता है, पुलिस विभाग और गृह मंत्रालय आपके पास है, तो किस अरे प्रकार मैं गब्बर नहीं हूँ, पहले बस तो आप गब्बर कह कह के गब्बर नहीं हूँ, बाकी पुलिस डिपार्टमेंट को मैं पूरी तरह दुरुस्त कर खामियाँ अब हम लोगों को थोड़ा बताएंगे, खामियों को दूर करेंगे हमें लोगों ने। हम पुलिस को, मैं हर आदमी के ऊपर एक पुलिस वाला खड़ा नहीं कर सकता हूँ जी, लेकिन मैं पुलिस का इतना भय जरूर बना दूंगा कि इस प्रदेश में अपराध करने से कि अगर कोई मन में सोचे भी तो उसकी रूह काम। सर, फिलहाल तो पुलिस में जो है अपराधियों पर लगाम कैसे? बिल्कुल, उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, लेटेस्ट व्हीकल का उनको मुहैया कराएंगे और जल्दी ही हम डायल 112 शुरू करने जा रहे हैं और उसके लिए 600 गाड़ियां हम खरीदेंगे, बिल्कुल नई गाड़ियां खरीदेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि जब भी कोई डिस्ट्रेस कॉल आए तो 15 मिनट के अंदर अंदर वहां पुलिस पहुंच जाए। भिवानी में मेडिकल कॉलेज बनना था, लेकिन मेडिकल कॉलेज जिस जगह पे बना था वो जगह जो है अब उस पर नहीं बन रहा, दूसरी जगह कर दी गई है, तो ग्रामीणों ने कहा है कि अगर वहाँ नहीं बनता है तो वो लोग जो है बनने नहीं देंगे। चिन्नी तिनी हुई अब तक जगह, सर शिलान्यास हो चुका है, दो बार शिलान्यास होता आपकी सरकार में। नहीं देखिए, अब उसका कोई ऐसा इशू मेरे सामने तो आया नहीं, अगर आएगा तो उसको दिखवा लेंगे। बाकी जहाँ तक कॉलेज बनाने की बात है, हमने वर्क लॉट कर दिया होगा, जो पुलिस वाले अच्छा काम करते हैं डर होता है, लेकिन जो पुलिस वाले अच्छा काम करते हैं उनके लिए क्या करेंगे, क्योंकि डर काफी बना हुआ है। करते हैं उनको शाबाशी देंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे, उनको इनाम देंगे और जो गलत करते हैं उनको ठीक करने। 1000 से ज़्यादा जो पेंडिंग है केस जिस जिले में, उनको आपने सब कुछ किया? शिकायतों की बात नहीं है, मुकदमों की बात है। हाँ, मुकदमे जहाँ पर 1000 से ज़्यादा हैं, जिन जिलों में पेंडिंग हैं, उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल की है कि आप बताएं कि आपने हल क्यों नहीं किए, तो अब वो जवाब आएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, राइस मिल का भी काफ़ी बड़ा मामला चल रहा है, आपने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या लगता है इसमें कुछ सुधार होगा? घोटाले नहीं, सुधार ही होगा वो तो देखिए, अब राइस मिलों में तो हमारा ही सामान पड़ा ना, तो हम जाके देख रहे हैं उसको,
ये ठीक है कि बार बार जाके नहीं देखना चाहिए, एक ही बार में तसल्ली करवानी चाहिए, व्यापारी को भी कठिनाई होती है, लेकिन अब अपने माल की संतुष्टि तो हमने करनी है। सर निकाय विभाग आपके पास है, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, वो कह रहे कि हमारी मांग बार बार मानी जाती है लेकिन पूरी नहीं की जाती। मेरे सामने तो अभी उनकी कोई मांग आई नहीं, ना मेरे से कोई मिला, ना मेरे से किसी ने कहा, जब कोई कहेगा देखेंगे, ज़रूर हल करेंगे, सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं, हम जरूर हल करेंगे। सर 5 साल का लेखा जोखा आपने मांगा था पिछले 5 साल का निकायों का, तो क्या रहा उसमें? नहीं ऐसा मैंने कोई लेखा जोखा नहीं मांगा। अच्छा चलो ठीक है।